dear lovely students, welcome to our channel RS Public School. You are most welcome in this channel. So I'm going to teach you science, and our topic is sorting materials into groups. This is fourth chapter of class 6. Clear hai? So let us know about sorting of materials into group. You can see there are so many things are present around us. हमारे चारों तरफ बहुत काफी चीजें जो है कि पड़ी हुई है. क्या ये चीजें सेम थिंग्स की बनी हुई है? नो. जैसे कि लकड़ी है, लकड़ी के क्या क्या चीजें बन सकती हैं? कुर्सी, ब्रेंच, डेस्क, ये फायरवुड के भी काम आ सकता है, जलावन के भी काम आ सकता है. और भी इसी तरह से देयर आर सो मेनी मेटल्स आर प्रेजेंट अराउंड अस लाइक आयरन, गोल्ड, एल्युमिनियम एटसेट्रा. क्लियर है? आपके घरों में आपकी पेन प्लास्टिक की बनी हो सकती है या फिर मेटल की बनी हो सकती है. आपके बुक्स पेपर के बने हो सकते हैं, कॉपी के. तो ये जो है मटेरियल्स हैं, देर आर सो मेनी मटेरियल्स अराउंड अस. हमें उनकी सॉर्टिंग करनी है, अलग अलग करना है. जैसे आपके घर में बच्चों वुड से बनी हुई कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? तो सबसे पहली बात हमारा बेड, बेड जिस पे हम सोते हैं, ठीक है, चेयर, और भी कुछ चीजें आ सकती हैं, एंड सो ऑन. ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कोई और चीज को भी मटेरियल को ले लेते हैं, जैसे कि आयरन, आयरन तो इसका भी जो है कि चेयर बन सकता है, नहीं बेड भी बन सकता है, गेट भी बन सकता है, नहीं विंडो भी बन सकती है. तो इस तरीके से जो है हमें इन चीजों को, इन मटेरियल्स को जो है कि छांटना है, सॉर्टिंग करना है, छांट करके जो है कि एक ग्रुप में डालना है. क्लियर है ना? छांट करके इन्हें हमें एक ग्रुप में डालना है. तो ये हुए हमारे मटेरियल्स जो हमारे आसपास, हमारे घरों में हमारे साथ साथ रहते हैं, जैसे कि क्लोथ, फाइबर्स, ये भी तो मटेरियल है जो हमारे बॉडी पर एनी टाइम रहते हैं, नहीं? आइए इसी सिलसिले में अगर हम लोग चलते हैं, प्रॉपर्टीज को थोड़ा देख लेते हैं हम लोग. प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, यानी मटेरियल के गुण. मटेरियल के गुण क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं किसी भी मटेरियल के, हम उसके बारे में जानेंगे. तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या है इसका? अपीयरेंस, अपीयरेंस यानी आकृति. अपीयरेंस मतलब आकृति. कोयला को अगर हम देखते हैं तो कोयला, कोल, ऑलवेज ब्लैक. इसकी अपीयरेंस क्या है? तो ये काला है. अगर हम गोल्ड को देखते हैं तो ठीक इसी प्रकार से इसके कलर के अनुसार ये हमेशा सोना कभी भी रहेगा, ये येलो इस कलर का ही होगा. कोयला कहीं भी रहेगा वो जो है कि ब्लैक कलर में ही रहेगा, नहीं? कोयला कहीं भी रहेगा तो ब्लैक कलर में ही रहेगा, सोना कहीं भी रहेगा बच्चों तो वो पीला कलर में ही रहेगा. कॉपर की बात करते हैं, तांबा की, तो ये कहीं भी रहेगा रेडिश कलर में रहेगा. तो ये है हमारा अपीयरेंस, यानी कि हमारे आसपास कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं
और उनका अपीयरेंस ऐसा है जिससे हम कह सकते हैं कि ये तो सोना है, ये तो कोयला है, काला है, ये तो कोयला है ना। तो ये अपीयरेंस हुआ। दूसरी बात हम देखते हैं लस्चर, लस्चर यानी कि कुछ ऐसे मटेरियल्स भी हमारे चारों तरफ उपलब्ध हैं जिनसे चमक उत्पन्न होती है, शाइनिंग। देर आर सो मेनी मटेरियल्स प्रेजेंट अराउंड अस विच है शाइन, जो चमकते रहते हैं। क्लियर बात है ना। अगर आप उन्हें दो टुकड़े भी काट दो, कितने भी टुकड़े काट दो, तो वे टुकड़े भी चमकते रहेंगे। अगर इतना बड़ा कोई डायमंड है बच्चों और उसे 50 पीस में छोटे छोटे टुकड़ों में कर दो, तो क्या वे चमकेंगे नहीं, चमकना छोड़ देंगे? नहीं, चमकेंगे। सो दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड लस्चरस मटेरियल। दिस प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ये जो गुण है, प्रॉपर्टीज है मटेरियल का, इस क्वालिटी को, इस प्रॉपर्टीज को, इस गुण को, लक्षण को हम लोग क्या बोलते हैं? लस्चरस बोलते हैं, लस्चरस मटेरियल। जैसे शीशा आईना तो आपके घर में होता ही होगा बच्चों, इतना बड़ा आईना हो सकता है, आप उसे पटक दो, 50-60 टुकड़े हो जाएंगे, कितने भी छोटे टुकड़े हो जाएंगे, क्या वो धूप में रख दोगे तो वो चमकना छोड़ देंगे? नहीं, चमकेंगे। तो ये है एक और प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स जो शाइन करते हैं, जिसे हम लस्चरस मटेरियल कहते हैं। जैसे गोल्ड, सिल्वर, नहीं, एल्युमिनियम, कॉपर, ये जितने भी प्रकार के मटेरियल्स हैं, गोल्ड यानी कि सोना, सिल्वर चांदी, कॉपर तांबा, एल्युमिनियम तो एल्युमिनियम होता है, तो ये जितने भी मटेरियल हैं, देज मटेरियल्स आर लस्चरस बिकॉज दे हैव शाइन, इनके पास खुद की चमक है। और वैसे मटेरियल्स जो शाइनिंग सरफेस के नहीं होते हैं, जो चमकते ही नहीं है, देज आर कॉल्ड नॉन लस्चरस। हम उन्हें नॉन लस्चरस के नाम से जानते हैं। दोज टाइप्स ऑफ मटेरियल्स विच हैव नॉट शाइनिंग सरफेस और क्वालिटी ऑफ लस्चर। क्लियर बात है। तीसरी प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है मटेरियल की, तो हार्डनेस, हार्डनेस, ये कठोरता। देयर आर सम सच टाइप्स ऑफ मटेरियल्स अराउंड अस प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग्स विच आर हार्ड, दीज आर नॉट स्ट्रेचेबल, दीज आर नॉट स्ट्रेचेबल एंड दे कैन नॉट कंप्रेस्ड। आपको अगर हम आयरन दे दें, वुड दे दें, तो क्या हाथ से लकड़ी को आप दबा दोगे? नहीं दबेगा, ठीक है। क्या आप उस पर नाखून से ऐसे लोहा दे देंगे, आपको आयरन दे देंगे, तो क्या आप नेल से अपने नाखून से उस पर जो है कि स्क्रेच कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो सच टाइप्स ऑफ मटेरियल्स विच आर नॉट कंप्रेस्ड, विच आर नॉट कंप्रेस्ड नॉर एंड नॉट स्ट्रेचेबल, न तुम्हें खींचा जा सकता है, ना ही उनपे हम स्क्रेच डाल सकते हैं, ना ही हम उनपे नाखून से रगड़ सकते हैं, स्क्रेच भी नहीं कर सकते हैं। सच टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आर नोन एज हार्ड, सच टाइप्स ऑफ मटेरियल्स विच आर नाइदर कंप्रेस्ड नॉर स्क्रेच्ड, ना तो वे दबाए जा सकते हैं और ना ही उन पे स्क्रेच डाला जा सकता है। दिस टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आर नोन एज हार्ड। क्लियर है। एंड देयर आर इन द सेम वे देयर आर सो मेनी मटेरियल्स प्रेजेंट अराउंड अस व्हिच आर कंप्रेस्ड इजीली, कंप्रेस्ड इजीली
एंड स्क्रेच इजीली, आसानी से हम उस पे खरोच भी डाल सकते हैं और उन्हें दबा भी सकते हैं लाइक रबर रबर। तो इस प्रकार के मटेरियल जिन्हें हम दबा दें, नहीं जिन्हें हम दबा सकते हैं, जैसे कि स्पॉन्ज भी आएगा, दबा सकते हैं और उन पे हम अपने नाखून से स्क्रेच भी डाल सकते हैं। दिस टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आर नोन एज सॉफ्ट मटेरियल्स। सॉफ्ट मटेरियल्स जैसे आपके घर में बहुत काफी वेजिटेबल्स आती होगी बनने के लिए, तो क्या आप इन वेजिटेबल्स पर लाइक ब्रिंजल, पोटैटो एंड कुकुम्बर्स, नेनुआ, लौकी, ये सारी चीजें आती हैं, आप इन्हें कंप्रेस कर सकते हो और इन पर स्क्रेच भी डाल सकते हो। सो देज आर, देज मटेरियल्स आर सॉफ्ट। तो हमने जाना अपीयरेंस के बारे में, लस्टर के बारे में, हार्डनेस और सॉफ्टनेस के बारे में। अब बारी आती है सोल्यूबल एंड इनसॉल्युबल। सोल्यूबल सोल्यूबल एंड इनसॉल्युबल। तो सोल्यूबल किसे कहते हैं, इनसॉल्युबल किसे कहते हैं, दिस इज ए प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल बच्चों। ये भी जो है मटेरियल्स की एक प्रॉपर्टीज है। सोल्यूबल दोज टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल्स व्हिच डिजॉल्व इन वाटर। दोज टाइप्स ऑफ मटेरियल्स व्हिच डिजॉल्व इन वाटर, यानी कि वैसे मटेरियल जो पानी में घुल जाए, वैसे मटेरियल जो पानी में घुल जाए, दीज आर नोन एज सोल्यूबल, सच एज सुगर यानी कि चीनी, साल्ट यानी कि नमक। दीज मटेरियल्स आर सोल्यूबल इन, दीज मटेरियल्स आर सोल्यूबल बिकॉज दे डिजॉल्व इन वाटर। एंड देर आर सो मेनी मटेरियल्स प्रेजेंट अराउंड अस विच आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। These types of material are insoluble, like sand, बालू। आप उसे एक गिलास पानी में एक मुट्ठी लेकर के डाल करके आप उसे पूरा स्टीयरिंग करो, क्या वो डिजॉल्व हो जाएगा? नहीं ना। तो इस प्रकार के मटेरियल जो है इनसोल्यूबल है, जैसे ये मैं लिख रहा हूं चॉक से ये भी जो है इनसोल्यूबल है, चॉक भी जो है पानी में घुलता नहीं है, ठीक है। जैसे कि आयरन के छोटे छोटे टुकड़े करके अगर हम घोलेंगे तो नहीं घुलेगा। तो ये हुआ हमारा सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। दोज मटेरियल्स विच डिजॉल्व इन वाटर, दोज मटेरियल विच डिजॉल्व इन वाटर कॉल्ड सोल्यूबल, एंड दोज मटेरियल विच आर not dissolved in water, these types of materials are called insoluble. Clear है?